नमस्कार, मंतव्य ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે ધરતી. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે ગરમીથી આંશિક રાહત મળશે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે, ગરમીને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે. તો ગરમીથી આંશિક રાહત મળશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. તો રાજ્યમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે. तो 25 मई ना रोज दक्षिण गुजरात में वरसाद नी हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे. तो सूरत वलसाड नवसारी में वरसाद पड़ी शके छे. तो तापी डांग में पण वरसाद नी आगाही हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे. आगाही ने पगले खेडूतों में चिंता नो माहौल सर्जायो छे. आज अमदावाद में ओरेन्ज एलर्ट आपवामां आव्यो छे. हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे. तो अमदावाद में 43 डिग्री तापमान रहेवानी संभावना पण व्यक्त करवामां आवी छे. तो 25 मे ना रोज दक्षिण गुजरात में वरसादनी आगाही हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे. गर्मीथी आंशिक राहत मळशे तेवी हवामान विभागे आगाही करी छे. आ साथे ज अमदावाद में ओरेन्ज एलर्ट आपवामां आव्यो छे. तो राज्य में प्री मॉन्सून एक्टिविटी टूंक ज समय में शुरू थशे. સાથે જ કેટલાક શહેરોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. फोरकास्ट आने वाले दिनों के लिए नेक्स्ट फ्राइडे के लिए देखा जाए सौराष्ट्र में ड्राइवर एक्सपेक्ट करें, और जो गुजरात स्टेट में देखा जाए साउथ गुजरात में डे 5 में आइसोलेशन के एक्सपेक्ट करें, बाकी सभी हम ड्राइवर एक्सपेक्ट करें. और जहाँ टेम्परेचर की बात भी देखा जाए मेन पैटर्न अभी साउथ वेस्टर्नली चल रहा है, अभी उसी से ग्रेजुअल फॉल हो जाएंगे 2 से 3 डिग्री आने वाले 3-4 दिन में. और उसके बाद भी कुछ चेंजेस नहीं है टेम्परेचर में देखा जाए, और वार्निंग भी नहीं है, हीट वेव कुछ नहीं है. अहमदाबाद सिटी देखा आज 43 डिग्री है, उसके बाद 42 डिग्री जाएगा टेम्परेचर. कौन कौन सी जगह पे बारिश हो सकती है? अभी देखो जो डे 5 में एक्सपर्ट है एक्सट्रीम साउथ गुजरात में एक्सपर्ट करे वाल सना उसी एरियाज में, वो भी आइसोलेटेड रेन में एक्सपर्ट करें. ओके,